बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और एक बार फिर से आपको वो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करते हैं जिससे रिश्ते से यकीन उठ जाएगा देवर ने भाभी की हत्या कर दी है। एसआई गौरव पहुंचे हैं मौके पर और जांच पड़ताल की जा रही है और ये फिलहाल हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जो इतनी भयावह है कि हम दिखा नहीं सकते। बेरहमी से हत्या की गई है ये आप कह सकते हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह भी हम तलाशने की कोशिश में जुटे हैं कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से एक देवर दरिंदा बन गया और उसने बेरहमी से अपनी भाभी की हत्या की है, जान ले ली है। तमाशबीन की स्थिति में फिलहाल गांव के लोग भी हैं और इस बीच हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुटे हैं। लक्ष्मण, सबसे पहले तो वजह हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ है कि एक देवर हत्यारा बन गया, दरिंदा बन गया। वजह तो जानने की कोशिश अभी पुलिस भी कर रही है, मौके पर अब थाना अधिकारी ऋषिराज सिंह भी पहुंच गए हैं और तस्वीर बता रही है कि बहुत ही क्रूरता से हत्या की गई है, फावड़े से मारकर हत्या की गई है और जिनकी मौत हुई उनका नाम सिमरन है। पुलिस थाना की कोशिश कर रही है देवर को राउंड अप करने के लिए, काफी भीड़ भी वहां पर एकत्र हो गई है, तो फिलहाल जो है पुलिस पड़ताल कर रही है कि आखिर हत्या क्यों की गई। अच्छा, इस बीच चश्मदीद कुछ कहने की स्थिति में है, उनसे कुछ पता चल पा रहा है आसपास के जो लोग हैं? देखिए जी, घर के भीतर ही हत्या हुई है और क्यों हुई है इसको लेकर कई तरह की बातें हैं, लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर पुलिस का बयान नहीं आ जाता तब तक कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि बेहद क्रूरता के साथ देवर ने इस घटना को अंजाम दिया है, जो ये बताता है कि कैसे रिश्ते जो है दरक रहे हैं। कई होगा, लव ट्रायंगल का तो मामला नहीं है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और सवाल उठना लाजमी भी है कि आखिर एक देवर दरिंदा कैसे बन गया, क्योंकि बेरहमी से उसने हत्या की है। हालांकि कोई कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है, जाहिर सी बात है कि परिवार वाले भी बहुत कुछ खुलकर नहीं कह पा रहे होंगे इस लिहाज से, क्योंकि परिवार की मर्यादा का भी सवाल है कि अगर कुछ अलग किस्म की बातें होगी तो जाहिर सी बात है जगह साई की संभव है।